दुदु विधानसभा क्षेत्र में मौजमाबाद रोड स्थित भैरू जी महाराज के स्थान पर किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने की सभा का आयोजन। सभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट की अध्यक्षता में दुदु जिला किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष बलदेव मेहरिया के नेतृत्व में हुई किसानों की वार्ता। किसानों की पीड़ा को लेकर किसान महापंचायत 2010 से किसानों के लिए कार्य कर रही है, लगातार आवाज भी उठा रही है, मगर सरकार आंख नीचे कर बैठ गए। वर्तमान स्थिति को देखकर किसानों ने अपना संकल्प लिया है, खेत को पानी, फसल का दाम, अब की बार MSP सरकार जीत के आए ताकि किसानों की खुशहाली बनती रहे। किसानों के नाम पर वोट मांगने वालों को उल्टा रास्ता दिखाया जाए, चाहे वो किसी पार्टी का हो, उनको दरकिनार किया जाए। किसानों की भलाई सबसे बड़ा संकल्प, जो किसानों के हित में कार्य करेंगे। जिला अध्यक्ष ने किसानों के हक में किसान महापंचायत उम्मीदवार खड़ा करने के लिए और किसानों को जीतने के लिए एकजुट होकर लिया संकल्प। इसी में दुदु विधानसभा में नई रोशनी दिखाएंगे। किसान महापंचायत के जिलाध्यक्ष बलदेव महरिया ने पत्रकार को बताया, इस बार दुदु विधानसभा में किसान ही होगा उम्मीदवार। ऐसे ही राजस्थान के हर जनसभा के किसान बनेगा उम्मीदवार। देशव व्यापी लड़ाई है, जन जन की लड़ाई है। और अभी मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, किसानों के अलावा भी हाई कोर्ट के जज, IAS कलेक्टर रहे हुए अधिकारी, IG जैसे पदों पर रहे हुए पुलिस अधिकारी, कुलपति, प्रोफेसर्स, ऐसे लोगों ने भी एक साथ बैठ के कहा MSP किसानों के लिए तो जरूरी है ही, उनसे भी ज्यादा हमारे लिए। क्योंकि MSP का कानून बनाए, ये देश की मांग है, हम सब की मांग है। तो बिना किसान भी आज हमारे साथ लोग आ रहे हैं, जो हमारी मांग न्याय संगत है। और ये आज दुदु विधानसभा के प्रतिनिधियों की मीटिंग हुई सूरा भैरू जी पर, जिसमें 11 सदस्यीय टीम बनाई है। वे 11 सदस्य प्रत्याशी का चयन करेंगे, उनके नामांकन की तारीख तय करेंगे, उसी अनुसार MSP की ताकत दिखाने के लिए दुदु में चुनाव में उतरेंगे किसान, और अपनी ताकत के आधार पर ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी का कानून बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने नारा रखा है, खेत को पानी, फसल को दाम। और हमने कहा है, किसान की खुशहाली के बिना आजादी अधूरी है, खुशहाली के दो आयाम, खेत को पानी, फसल को दाम। इसी आधार पर यह पूरा चुनाव होगा।